देश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारने लगा है। दिन प्रतिदिन इसके मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना से संक्रमित वयस्कों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन में कई बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखने, इंडोर मास्क का इस्तेमाल, हाथ की सफाई, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यानी हाइड्रेशन, एंटीपायरेटिक्स, एंटीट्रासिव को मॉनिटर करने, ऑक्सीजन की जांच करते रहने के अलावा डॉक्टर के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा गाइडलाइन में जो कहा गया है वो ये है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, तेज बुखार हो या ज्यादा खांसी हो रही हो, अगर ये सारी चीजें 5 दिन से अधिक समय तक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने को लेकर मना किया है। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता ना चल जाए। अधिक जोखिम वाले मरीज क्या करें? इसके अलावा गाइडलाइन में अधिक जोखिम वाले मरीजों को रेमडेसिविर लेने को कहा गया, वो भी 5 दिनों तक। पहले दिन 200 mg IV और इसके बाद अगले 4 दिन 100 mg IV लेने के लिए कहा गया। बता दें कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने चिंता जताई है। पिछले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका को पत्र लिखा था। पत्र में इन राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर जोर देने की सलाह दी गई थी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।